मेरा नाम अंकिता है। मेरे साथ एक खौफनाक हादसा हुआ। ये रात एक डरावनी रात थी, जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं अकेली ही घर पर थी। मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई थी, तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं। एक बार फिर से एक औरत की आवाज़, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाज़े को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से देखा तो लगभग 35 साल की खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उन हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसके खूबसूरती को छिपा रही थी। वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वो कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दियो, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह देनी चाहिए थी या नहीं, इसकी मदद करनी चाहिए थी या नहीं। मेरे दिमाग में बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भागकर चली गई। मैं भी उसके पीछे भागी। वो कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में ये लोग घरों की तलाशी लेना शुरू कर देंगे, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और कौन लोग तुम्हारे पीछे है? वो कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता, अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारी सारे सवालों के जवाब दूंगी। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊँगी, मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर स्पीकर पर ऐलान हुआ कि एक खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देंगी। वो कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपा दो वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बातें सुनकर मैं उसे जल्दी से छत पर पानी की टंकी के पास एक छोटे रूम में ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेंगी, इसीलिए जान बचाने का एक ही रास्ता है कि तुम इस कमरे के अंदर चली जाओ। पानी की टंकी बड़ी होने के कारण वो कमरा किसी को नज़र नहीं आता। 2 मिनट बाद फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी खड़े थे, जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुसते चले गए। वो मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर में जगह तो नहीं दी? मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आप किसकी तलाशी कर रहे हैं? वो आदमी नीचे की तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरी सांस अटक गई कि कहीं इनको पता ना चल जाए कि वो औरत कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान उस रूम की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही साबित हुआ। वो खाली हाथ नीचे आए। वो आदमी कहने लगा, मैडम जी वो घर में नहीं है, मुझे लगता है कि वो इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वो सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून से चैन की सांस ली। उनके जाने के कुछ ही मिनटों में मैं जल्दी से ऊपर गई और रूम का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकाला। उसकी हालत ख़राब थी। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो अपने कपड़े बदल कर वो रज़ाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा, अब बेचारी के लिए कुछ खाने पीने का भी ले आती हूँ। मैंने उसके लिए खाना गर्म करके लाया। थोड़ी देर में उसकी हालत में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और ये क्या है, क्या आप वाकई मुजरिम हो? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है,
मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि गवर्नमेंट लेडीज़ हॉस्टल की वार्डन हूँ। मैंने कहा, क्या? ये सुनकर कि वो एक वार्डन है, मेरे तो होश ही उड़ गए। एक वार्डन के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा। आप गवर्नमेंट लेडीज़ हॉस्टल की वार्डन होकर मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हो? तो वो कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? देखिए, मैंने आपको घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी आपकी कहानी मुझे सुनानी ही होगी, क्योंकि मैं आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जाने वाली हूँ और गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने वाली हूँ, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात हैं। वो कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा नाम दीपाली है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पापा मुंबई में ट्रैफिक हवलदार थे। मेरे पापा ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक सिखाया था और यही समझाया था कि चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने काम से हमेशा वफादार रहना। मेरे पापा एक सच्चे और ईमानदार ट्रैफिक हवलदार थे। उन्होंने कभी भी एक रुपए की भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा था। हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किलों से ही हो रहा था। मैं पापा की बहुत लाडली बेटी थी। पापा मुझसे पूछते, बेटा तू बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? मैं मजाक में कह देती, क्यों पापा, मैं तो मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्टल की वार्डन बनूंगी। पापा कहते थे, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर लेगी तो लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पापा आप भी किस ज़माने में जी रहे हैं, मेरी सिफारिश होगी तभी तो मैं ऐसी नौकरी पर लग पाऊंगी। पापा ने कहा, हम और सिफारिश, कभी भी ज़िंदगी में इन चीज़ों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरी बड़ी भाई पापा के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई जाकर गवर्नमेंट हॉस्टल की वार्डन बनना है और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी और टेस्ट भी दे दिए। मैं जिस हॉस्टल की वार्डन बनना चाहती थी वो रिटायर्ड हो गई। वो एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे, मैं बहुत खुश थी, मेरा सपना सच हो गया था। पापा ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि हॉस्टल में अलग अलग तरह की परेशानियां होंगी, तुम बस ख्याल रखना कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करो। मैंने अपनी ड्यूटी संभाली, मुंबई आ गई और हॉस्टल में औरतों की बड़ी तादाद पर भर्ती शुरू हो गई। शुरुआत के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उनका यूँ चुप होकर रुक जाना बेचैन कर रहा था। मैं उनकी कहानी में खो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैं बेचैनी से कहा, दीपाली फिर क्या हुआ, आगे बताइए। वो सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई। औरतों और लड़कियों को उनके रूम दिए गए। रोज़ सवेरे 6 बजे हॉस्टल के दरवाजे खोल दिए जाते। उनके बाद वे नाश्ता करती और उसके बाद वे काम पर चली जाती। कुछ नौजवान लड़कियां थीं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा गया था ताकि वहां से निकलने के बाद कुछ बनकर निकले। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने को आती तो हॉस्टल के दरवाजे बंद कर दिए जाते। फिर उनको खाना दिया जाता और उनको वापस रूम में भेज दिया जाता। शुरू शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक हॉस्टल जैसा दिखता है उससे कहीं बढ़कर खौफनाक होता है, मगर मैं तो रोज़ाना पापा से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आई थी, इसीलिए ना सिर्फ काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों को खूब दौड़ाया करती थी। मैं अपनी नरम दिल के वजह से बहुत मशहूर हो गई, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी। वो बताती थी कि मुझसे पहले जो वार्डन थी काम धाम तो कुछ करती नहीं थी और बगैर किसी वजह से जिसको मर्जी मारती पीटती रहती थी। मैंने सभी कर्मचारियों को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया, लेडी चौकीदार ने आज किसी वजह के बगैर थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से हॉस्टल का माहौल अच्छा हो गया था। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे। मेरे अच्छे काम की वजह से मुझे मेडल से सम्मानित किया गया। मेरे काम को खूब सराहा गया।
खूब सारी तारीफें हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक अफसर राहुल का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल ही वैसे ही ख्यालात के थे जैसे मेरे पापा, इसीलिए मैं ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों हॉस्टल में काफ़ी पार्सल के डिब्बे अंदर जाने लगे। शुरू में तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीज़ें भेजते रहते थे, मगर जब लगातार इस तरह के रोज़ाना पार्सल के डिब्बे शाम में आने जाने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि ये क्या हो रहा है, मेरा दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा रोज़ ये पार्सल के डिब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है ये। एक अच्छा वार्डन वही होता है जिसने हॉस्टल में अपने जासूस बनाए हैं ताकि उसको पल पल की खबरें मिलती रहें। मैंने भी उस औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा, जिसके लिए मैंने लेडी चौकीदार को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था। मेरे इस अंदाज से वो मेरी वफ़ादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे अंदर की खबरें देती रहती थी। इसीलिए एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे अंदर से मालूम करके बताओ ये पार्सल के डब्बे किसके लिए आते हैं और इन्हें रोज़ भेजता कौन है, और मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बना कर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और वार्डन ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी को ज़रूरत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यह क्या होता था इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी, इसीलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में ठोकते हुए पूछा, दीपाली क्या आपको पार्सल के डिब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर दीपाली ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जाने क्यों ये पार्सल के डिब्बे रोज़ आते थे, मुझे ये कोई नॉर्मल बात नहीं लगी थी। मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर एक खबर सुनाई, उसे सुनकर ही मैं दंग रह गई। उसने कहा कि ये पार्सल रोज़ रात को एक अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली वार्डन और सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय की भी 2-4 लोग इसमें शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में पार्सल औरतों को क्यों दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपने जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोज़ाना अंधेरे कमरे में जाकर पार्सल लेती हैं। जासूस जिनके नाम बताए उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि इनमें से कुछ लड़कियां और कुछ औरतें जो अलग अलग जगह से आई थी और अलग अलग शैली में माहिर थी, तो सबको एक जैसे पार्सल कहाँ से आ रहे हैं। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नज़रअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे पहुँचना ही पड़ेगा। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिल पर बिजली बनकर टूटी थी। मैं दिन के समय में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहाँ रात को जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी चौकीदार चोरी चोरी कहीं जा रही है। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वो कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौंकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में ढेर सारे पार्सल ले जा रही थी। पहली चौंका देने वाली बात ये थी कि रात के इस अंधेरे कमरे में पार्सल देने की क्या ज़रूरत है, और ज़बरदस्त बात ये थी कि हॉस्टल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या ज़रूरत बनती है। मैंने 2-3 दिन तक ये रूटीन देखा, लेकिन इसके अलावा कोई और शक की बात मेरी नज़र में नहीं आई कि मैं कुछ भी पूछती। इसीलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो कभी मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेगा, और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बजे थे। मैंने अपना सिर टेबल पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो ये समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया कि ये लेडी चौकीदार है। वो मुझे सोता देखकर किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवाई मैडम को दी थी उसने असर कर दिया है, मैडम सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसीलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ से चली गई। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है जिसकी मुझे खबर नहीं थी। इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि जो भी हो रहा है इसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की,
ताकि जाकर देख सकूं कि वहां क्या हो रहा है। मुझे चक्कर आ रहे थे, लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह उठी तो सिर भारी हो रहा था, इसीलिए घर चली गई। इसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर आई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वो चाय पी नहीं, पास ही के सिंक में फेंक दी और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद चौकीदार ने आकर तसल्ली की कि मैं सो गई हूँ। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। हॉस्टल में हर तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ उस अंधेरे कमरे में वो औरतें थी, लेकिन आज उस कमरे में अंधेरा नहीं था। मैं एकदम उन सब पर चिल्लाई और कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वो लड़कियां भारी सा मेकअप कर रही थी और बहुत ही चमकीले कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जिस्म फरोशी का काम कर रही है। जाने कितने हफ्तों से या महीनों से ऐसा काम किया जा रहा था। लेडी चौकीदार मुझे सामने देखकर उसकी सांसें रुक गई। वहाँ पार्सल के डिब्बे खुले पड़े थे, उनमें काफ़ी पैसे थे, अलग अलग तरह के कपड़े थे और प्रोटेक्शन का सामान रखा हुआ था। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। लेडी चौकीदार को मैंने पूछा, कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था, वो कौन था? वो बहुत डरी हुई थी, मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ, जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई, कहने लगी, प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैंने फ़ोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया और मैं बेहोश हो गई। मैं होश में आई तो मैंने देखा कि वो चौकीदार अकेली नहीं थी, उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी, वो उसी वक्त उसके साथ खड़ी थी। लेकिन इसके साथ जो थी उसको देखकर मेरे सिर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वो ये हो सकती है। वो तो नाइट शिफ्ट वाली वार्डन थी, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी घटिया निकलेगी, कि इतने घिनौने कामों को अंजाम देगी। दोनों मिली हुई थी, उन दोनों की मदद से वो गरीब बेचारी लड़कियों और औरतों को बहला फुसला कर पैसे का लालच देकर ऐसे गंदे काम कराने लगाती हैं और उनकी वजह से खुद भी पैसे कमाती हैं। रात को उन लड़कियों को उस अंधेरे कमरे में चुपचाप खिड़की के रास्ते से बाहर निकाला जाता और अगले दिन उनके एजेंट पार्सल में उनको पैसे, कपड़े और ज़रूरत का सामान भेजते। लालच में आकर ऐसे घिनौने कामों को अंजाम दिया जाता था और मासूम लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर देते थे। ये सारा काम रात के वक्त इस वार्डन की मौजूदगी में चोरी छुपके होता था। ये सारी बात उन्होंने मुझे खुद अपने मुँह से बताई। उसने अपनी सारी हरकत मेरे सामने कबूल की, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैंने पहले से ही अपने ड्रेस पर कैमरा लगा रखा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। उसका बयान इसी कैमरे में रिकॉर्ड है, जो मैं सबूत के तौर पर मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर दिखाऊंगी। इसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम वो जैसे ही मेरे लिए खाना लेकर मेरे कमरे में आई, मैं उस पर काबू पाकर वहां से भाग गई और तब से वो मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। उन औरतों ने पुलिस के कपड़े पहने हैं ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि मैं कोई मुजरिम हूँ जो जेल से भागी है, ताकि कोई मेरी मदद ना कर सके और वो बिंदास लोगों के सामने मुझे पकड़ ले। ये थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर दीपाली से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगे? उसने कहा, किसी भी तरह से मुझे उस कैमरा की वीडियो पुलिस और कोर्ट को दिखानी है, पर ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे करूँगी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। दीपाली मुझे हैरान होकर देखने लगी। मेरे पापा एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, उनको आ जाने दो, हम उनको सारी हकीकत बताएंगे और आपकी बेगुनाही खुद ब खुद साबित हो जाएगी। जैसे ही मेरे परिवार वाले घर लौटे, हमने मेरे पापा को सब बता दिया। उन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर ठीक रात 11 बजे हॉस्टल में छापा मारा जहां वो लड़कियों को जिस्म फरोशी का घिनौना काम करवाते थे। उस वार्डन और लेडी चौकीदार को पकड़ लिया गया, उन लड़कियों की काउंसलिंग की
और उन्हें नए रोजगार दिए गए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और गलत राह पर ना चले। दीपाली ने पहले की तरह हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।